बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा पर फिर आतंकी हमले की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया सूचनाओं ने मिली कि आतंकी अमरनाथ यात्रा पर फिर हमला कर सकते हैं। खुफिया सूचना के मुताबिक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी यात्रा को निशाना बना सकते हैं। एजेंसियों को कल रात एक सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक गाड़ी में देखे गए। ये संदिग्ध रामबन और उधमपुर के बीच किसी जगह पर अटैक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चार लोग एक गाड़ी में देखे गए। आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई। पवन, जो ये संदिग्ध गाड़ी देखी गई, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? अर्पिता, अभी भी इस गाड़ी की तलाश चल रही है और सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका जो रामबन से लेके उधमपुर है वहां पर हाईलाइट हाईवे पे किया हुआ है, क्योंकि इनपुट्स मिले थे कि यात्रा पे अटैक हो सकता है और एक गाड़ी में चार संदिग्ध थे। टवेरा गाड़ी है जो वहां से निकली थी, उस गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा है। अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों का जो कहना है कि वो गाड़ी उसी इलाके में कहीं इंटीरियर रोड्स पे हो सकती है, वो इसी ताक में है, कहीं ना कहीं वो यात्रा पे अटैक करे। जो यात्रा जा रही है या फिर वापस दर्शन करके जब आती है तो उस समय, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट्स मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि पहले भी अमरनाथ यात्रा पे कश्मीर पे अटैक हो चुका था, तो उसके बाद पूरे हाईवे पे सुरक्षा थ्री टायर कर दी गई है। जो यात्रा जम्मू से पहलगाम जा रही है या फिर पहलगाम से दर्शन करके वापस लौट रही है। शुक्रिया पवन। उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क में रूसी दूतावास के बाहर एक बम धमाका हो गया। गनीमत यह रही कि धमाके के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। इस धमाके से ठीक एक घंटा पहले दमिश्क के एक अस्पताल के बाहर भी जोरदार धमाका हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। रूस लंबे वक्त से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूसी दूतावास के बाहर हुए धमाके को विद्रोहियों ने अंजाम दिया। उधर हिमाचल के डलहौजी में भारत और थाईलैंड की सेना का साझा अभ्यास खत्म हो गया है। साझा अभ्यास में दोनों देश के जवानों ने मुश्किल हालात में दुश्मनों से निपटने और आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के कई गुर एक साथ दूसरे से साझा किए। मैत्री 17 नाम का ये साझा अभ्यास 14 दिन तक चला और इस दौरान डलहौजी के जंगल में दोनों देशों के जो जवान हैं उन्होंने अपना हुनर दिखाया। इस अभ्यास में थाईलैंड आर्मी के 50 जवान शामिल थे। मिशन के आखिरी दिन हेलीकॉप्टर के जरिए एक घर में छिपे कुछ आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का अभ्यास किया गया। ये जो एक साथ काम करने का जो माहौल बनता है वो हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हो सकता है कि दोनों आर्मीज एक साथ काम करें। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में भारी गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के तारकुंडी सेक्टर, भिंबर गली सेक्टर और बालाकोट में गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जा रहा है। प्रारंभ हो रहा है, गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मानसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है।
यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा। जब हम मानसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं और उन्हीं को नमन करते हुए ये सत्र का प्रारंभ होता है। इस मानसून सत्र में मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 19 दिन काम होगा। इस दौरान सरकार 16 नए बिल लाने की योजना भी बना रही है। इसके अलावा लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 10 पुराने बिल लंबित भी पड़े हैं। और आज ही आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान भी होना है। ऐसे में जब पीएम मोदी आज संबोधित कर रहे थे मानसून सत्र के पहले, तो सबसे पहले उन्होंने जीएसटी को राष्ट्रहित में बताया, साथ ही साथ किसानों को नमन भी किया। क्रोएशिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। धीरे धीरे जंगल की आग रिहायशी इलाकों को फैल रही है और इसकी चपेट में कई मकान आ चुके हैं। आग की वजह से धुआं बहुत तेजी से फैल रहा है और इसी कारण पास के कई हाईवे जो हैं उन्हें यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अमेरिका में एक गायक और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी गायक एरॉन काचर और उनकी गर्लफ्रेंड को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक रोलर कोस्टर के गिर जाने से 6 बच्चों समेत 33 लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूलिया बिशप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस तरीके की कड़ी आलोचना की जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की पत्नी की तारीफ की थी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी के भाई को पैसे की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। चीन के जियांगसू प्रांत की 2 मंजिला इमारत में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों के दबाव में इजरायल सरकार ने हमले के बाद बंद की गई यरूशलम की मस्जिद को फिर से खोल दिया है। बिहार के सिवान में शराब लूटने की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पुलिस ने अवैध शराब जब्त करने के बाद उसे जिस जगह नष्ट किया था, खबर है कि वहां कई शराब की बोतलें सही हालत में मौजूद थी और शराब की उन्हीं बोतलों को लूटने के पास के कई लोग वहां पहुंचे। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों को खदेड़ दिया। हालांकि आरोप यह भी है कि नष्ट करने के दौरान पुलिस ने शराब की कुछ बोतलों को छिपाया था और लोगों को इस बात की खबर लग गई। जब लोग छिपाई गई शराब को लूटने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें भगा दिया। इटली के जंगलों में लगी भीषण आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों तक फैलती जा रही है। आग की वजह करीब 2500 एकड़ घास के जो जंगल हैं वो राख हो चुके हैं। इसकी वजह से आग की तेज लपटों और धुएं की वजह से कई हाईवे को बंद कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग का दावा है कि इटली के जंगलों में लगी आग की वजह से इलाके का तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ गया है। हिमाचल के मंडी में कुल्लू मनाली हाईवे पर एक मंदिर पर पहाड़ से अचानक एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मंदिर के अंदर कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी श्रद्धालु पत्थर की चपेट में नहीं आया। घटना की खबर तुरंत प्रशासन को दी गई और मौके से पत्थर को हटाया गया। पत्थर की वजह से कुछ देर तक गाड़ियों की आवाजाही भी रुकी रही। बड़ी बड़ी चट्टाने गिरी है और मैं तो खुद आशंकित था कि कहीं और चट्टाने ना गिर जाए ऊपर से,
लेकिन अब माता रानी की कृपा से रोड खुल गया है और किसी की जान माल को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। औरंगाबाद में एक नाबालिग का शव खाई से मिला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक नाबालिग का शव खाई से बरामद होने के बाद घरवालों ने रेप की आशंका जताई। हरियाणा के रेवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद दहशत में आए गाँव वाले पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में अस्पताल से इलाज कराकर लौट रही एक महिला की गैंगरेप का मामला सामने आया है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक हरिद्वार में गाड़ी चुराने वाले कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिहार के बेतिया में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। बिहार के पूर्णिया में इंजीनियरिंग की एक छात्रा का शव उसके घर से संदिग्ध हालत में मिला। लुधियाना में चर्च के बाहर फोन पर बात कर रहे पादरी की गोली मारकर हत्या किए जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में अलग अलग देश के करीब 800 लोगों ने भाग लिया। रेस में हिस्सा ले रहे कुछ भारतीय लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाई। करगिल के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में शुरू हुई दौड़ द्रास वॉर मेमोरियल और ककसार से होते हुए वापस वहीं पर खत्म हुई। इस मैराथन को मेरठ के सरफराज रहमान ने जीता। लड़ाई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तभी है जब आप मिल बांट कर बैठ कर अपनी अपनी ईगो को साइड में रख के ऐसे रास्ते पे चलें जिससे आप भी खुश और हम भी खुश। और मेरे हिसाब से खेलों से बढ़कर इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता। उधर दिल्ली में नहर में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। दिल्ली की गाजीपुर नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की साझा कार्रवाई में बड़ी तादाद में नशा करने वाली दवाइयों की खेप बरामद की गई। झारखंड के बोकारो में एक अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दंपत्ति ने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार से सिवान में पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। यूपी के कानपुर में एक आदमी का शव उसके घर के अंदर पंखे से लटका हुआ मिला। यूपी के मऊ में एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली। किसानों को नमन कर पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत करते हुए सभी सांसदों से मिलकर संसद चलाने की अपील की। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू के पुंछ और राजौरी में भारी गोलाबारी की। एक गाड़ी में घुसे 4 संदिग्ध एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने के बावजूद इस्लामाबाद में रैली कर हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने भारत पर जहर उगला। इस्लामाबाद में भारत के 2 मोस्ट वांटेड हिजब आतंकी सलाहुद्दीन और लश्कर सरगना मक्की ने हाथ मिलाए। आतंकवादी मक्की ने अपने आका हाफिज सईद की ओर से दी बंदूक सलाहुद्दीन को तोहफे में देकर भारत की बर्बादी की कसमें खाई। आतंकियों की रैली में खुलेआम नवाज शरीफ की पार्टी का नेता जफर अली शाह भी मौजूद रहा। देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद और राज्य की विधानसभाओं में मतदान शुरू हुआ। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए विजय चौक पर रिहर्सल की गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ की आशंका। शिवपाल और कई मुलायम समर्थक एनडीए उम्मीदवार कोविंद को वोट दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सभी राज्यों से सख्त कार्रवाई करने को कहा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लिया जाएगा।
ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने सेना से मदद मांगी। फिल्म इंदु सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से नाराज मधुर भंडारकर ने राहुल गांधी से ट्वीट कर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल किए। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराकर 8 बार विंबलडन जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जमकर तारीफ की गई और मीरा कुमार को सिर्फ औपचारिक उम्मीदवार बताया गया। आरबीआई अपने डूबे हुए 8 लाख करोड़ के कर्ज को वसूलने के लिए मार्च 2019 तक सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उड़ता पंजाब के लिए शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को न्यूयॉर्क में हुए आईफा में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति जिस तरह से जन जागरूकता के या फिर जन रुचि के जो तमाम कार्यों में राष्ट्रपति अब रुचि लेने लगे हैं। हमने देखा भी पिछले दिनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो 2.5 करोड़ का कनेक्शन था वो दिया, तो एक तरह से बड़ी भूमिका। आप सबका स्वागत है। इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से देख रहे हैं। 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले अपना मत डाला है और आप देख सकते हैं कि एनडीए के तमाम नेता इस वक्त पंक्तिबद्ध हैं और कुछ यूपीए के नेता भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 2 उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, रामनाथ कोविंद साहब तो यूपीए की तरफ से मीरा कुमार जी, दोनों दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग इसको दलित बनाम दलित की लड़ाई भी बोल रहे हैं। सुनते हैं प्रधानमंत्री। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्र हित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यूएडेशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, पहला दिन है। हालांकि बीते दिनों में जब संसद नहीं थी तो संसद के 2 महत्वपूर्ण सांसदों का निधन हुआ है, जिस वजह से संसद की कार्यवाही 11 बजे उनको शोक देकर आज के दिन के लिए रद्द भी होगी। विनोद खन्ना नहीं रहे हैं, अनिल माधव दवे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये तस्वीरें रामनाथ कोविंद साहब की उस वक्त की जब बिहार से गवर्नर के बाद, जब वो गवर्नर थे, उनका नाम एनडीए ने तय किया और उनको दिल्ली आए, वो दिल्ली आने की उस वक्त की ये पहली तस्वीरें हैं। इस वक्त फाइल तस्वीरें, आर्काइव तस्वीरें आपके सामने।